हम इतना काम करते हैं, कहीं भी जहाँ पे करते हैं हो जाते जाके काम से, हमें कोई मनाही नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमें सेम वर्क और सेम पे मिल जाए। हम जहाँ पे भी हमें काम करवाएंगे हम मना नहीं करेंगे, हम परमानेंट से ज़्यादा काम करते हैं सर। और मेरे को सर फरवरी 2000 से ज़्यादा सैलरी मिली क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ। मेरे को डिटेलमेंट का पटेल नगर में डाल दिया था, पहले सर मेरा प्लीज मेरा ट्रांसफर कर दो, मेरे से इतनी दूर नहीं आ जाता। तो उन्होंने मेरे से थोड़ी सी दया करी, चलो डिटेलमेंट पे कर देते। 5 साल से मैं डिटेलमेंट पे हूँ, मैं रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डाले जा रही हूँ, सर मेरी ट्रांसफर कर दो, मेरे से नहीं आया जाता, मैं हैंडीकैप हूँ सर, नहीं आया जाता। फरवरी 2017 से मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मैं सर वो कह रहे हैं सर मैंने हाथ जोड़ के उनके आगे पैर पकड़ लिया, सर मैं नहीं कर सकती वहाँ पे। वो कह रहे रिजाइन दे दो। सर रिजाइन कैसे दे दूंगी, मेरे को 2001 से मैं वो रिजाइन कैसे दे दूँ सर, मैं हैंडीकैप हूँ। अगर मैं ठीक ठाक होती कि मैं उनको नहीं कहती कि मेरे को ट्रांसफर चाहिए। तो रिजाइन की बात कौन कर रहा है, क्या नाम है रिजाइन की बात कर रहा है? CDMO सर ने मेरे को बोला है, फोन पे फोन आ रहे हैं मेरे पास, जिस दिन से स्ट्राइक हुई है तुम आओ वहाँ पे ज्वाइन करो ना तो तुम रिजाइन दे दो। सर मैं रिजाइन नहीं देऊंगी, बिल्कुल नहीं देऊंगी, मैं लड़ूंगी आगे भी लड़ूंगी। CDMO सर सैगल जी, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के। सर मैंने रिक्वेस्ट कर दी, सर मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे से नहीं आ जाएगा, मुझे डिटेलमेंट पे ही पड़ा रहने दो चाहे, मैं डिटेलमेंट पे भी तैयार हूँ करने के लिए। मेरे हर कागजात हर जो भी रिपोर्ट होती है सर मैं अपने डॉक्टर के साइन करवा के वहाँ पे दे के आती हूँ, कोई वो नहीं है। ये नहीं कि मैं कोई कागज नहीं दे के आती, अटेंडेंस मेरी हर मंथली पे वहाँ पहुँच जाती है, फिर भी उनको मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। फरवरी से मेरी सैलरी रोक रखी है। बिमला देवी सर, कि हमारा ट्रांसफर कर दिया जाए, ट्रांसफर नहीं करा जा रहा। और जो इनके जो सहगल हैं, जो इंचार्ज हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इन्हें धमकी देते हैं कि आप अपना रिजाइन ले लो और रिजाइन दे दो और अपने घर में बैठो, आपको नौकरी नहीं करनी है। तो इस तरीके का शोषण, महिलाओं के साथ शोषण, कि एक हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी एक रियायत देनी चाहिए थी, वो रियायत देने के बजाय वो ये लोग ये कहते हैं कि आप रिजाइन दे दो। आइए और जानकारी लेते हैं।